हाय गाइस, हाय गाइस। तो आज अफ्तार पार्टी है अमान के घर में। सही है, तो आज हम लोग आए पूरी टीम के साथ। बोलते हैं भाई आप लोग इफ्तारी वगैरह करवा नहीं रहे हो? हाँ। ज्यादा छुप रही है मेरे बिल्कुल। और पता क्या, लोग कहते हैं क्या तुम लोग अफ्तारी में खाते क्या हो? हाँ। खास कर मुझे बोलते हैं कि यार तुम खाते क्या हो, तो आज देख लो मैं खाता क्या। सही है, तो आज हम सब खा लेते हैं। शुरुआत तो हजूर से कर ली है, क्या कुछ है। सही है, अजान हो चुकी है तो हम लोग ने इफ्तारी तो कर ली, मतलब कि खजूर के रोजा खोल दिया है। बट अभी हम देखते हैं कि आज जो हमारे पास खास जो खाना लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ थालीलैंड की तरफ से। तो थालीलैंड 7-11 नाम सुना इसका? ठीक है, तो गार्डन के अंदर है ना, काफी मशहूर है। इवन कराची के अंदर थालीलैंड जो है वो काफी मशहूर। ये मशहूर इंडियन फूड कैसे? ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे गार्डन में नया नया शिफ्ट हुआ था ना, तो थालीलैंड नया नया आया था। एंड मेरे ख्याल से कोई 20 साल पुरानी बात, पहली बार थी वहीं पे डोसा खाया है। मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले वहीं खाया था, वहीं पर ही खाया था। इंडियन थाली आती है उसमें मैंने 4-5 बिल्कुल। उनका सेटअप भी सेम वैसे ही वो लोग रखते हैं, मगर नो डाउट बहुत ही अमेजिंग है। मैंने ट्राई किया, इट्स वेरी नाइस। सही है, तो आज खा के देखते हैं। एक चीज बताने की, उन्होंने उनका जो है वो लोकेशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो थालीलैंड जो है पहले यहाँ पे गार्डन में हुआ करता था, अभी जो है थालीलैंड 7-11 है लसबेला पे। ठीक है, अजीज सेंटर पे है। एंड यार बचपन से मैं खाते हुए आया था, और मैंने इनको बोला यार, अप्रोच किया कि यार जरा इफ्तारी की बेस्ट चीज क्या मिलेगी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो देखना भी चाहती है कि इंडियन फूड यहाँ पे कैसा है या कैसा नहीं है। और वैसे भी हम लोग बचपन से तो हम लोग जो है वो थालीलैंड के फैन है। ठीक है, तो हम लोग आराम आराम से ना इसकी यहाँ पे अनबॉक्सिंग करवाते हैं। ठीक है, टीम में मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता है कि क्या क्या आया है आज। ठीक है गाइस, तो रोजा इनसे उनके बच्चे बस पानी से सही है, तो स्टार्ट करते हैं। समाया वो जो तुझ में समाया, वही वही जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मेरा वही वही माया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन सदकल्लाहुल अलीउल सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी जाती वा। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी जाती वा। अतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ जाने नहीं भाई, यहाँ पे कैमरा पानी पूरी। एक सेकंड, तो सवाल ये उठता है कि भाई पानी पूरी बनाते कैसे हैं? भाई सिंपल, शुरू से पहले पूरी लो, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो, बिल्कुल स्लोली, और सही मार्गदर्शन नहीं तोड़ दो पूरा चले जाए चूड़ी हो गया था उसका। फिर आप जितने आपको चने डाल देना, ठीक है, मैं तो 8-10 डालता हूँ। आप वो भी आपकी बॉडी के, आपकी बॉडी भी घोड़े जैसी है चने खा खा के। फिर मीठी चटनी ऐसे, ओए जब बीटी बीटी गलती ना, ओहो, उसके बाद इसको ऐसे खट्टी में डिप कर दो, और फिर ये ओए ओए
अब सलीमा आप बना के दिखाएंगी हमें कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब सलीमा बनाएगी, सलीमा बना के दिखाओ। पहले वाली टूट नहीं रही थी, चलो इसमें टूट गई। वाह, टूट गए आपके नाखून भी ऐसे हैं ना कि आराम से टूट जाएगी। फिर पानी चलो ठीक है, ठीक है इसमें चलने सहज बोल रही, इसी चक्कर में ना दोनों खा जाएंगे। चलो आगे फिर सलीमा फिर क्या करेंगे? सही है। तो हमें जो जो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि सलीमा को जो है वो खाना पकाने आता है। तो आपको अच्छा मीठी पूरी को ना बाहर फेंक दिया। सरिश आपको मीठी पूरी नहीं पसंद है? मैंने देखा सरिश देख ही नहीं, मैंने देखा सरिश मीठी पूरी नहीं पसंद है। सरिश नाक में चढ़ गई खट्टी। सही है गाइस, इससे पहले ये लोग जो है वो खाना खत्म कर लें, मैं भी थोड़ा एंजॉय करता हूँ पानी पूरी। उसके बाद मसाला डोसा इंडिया की फेमस। हाँ आखिरी यार बचा दो यार, एक ही बची है प्लीज, थैंक यू। सही है फिर मसाला डोसा उस पर हम करेंगे, ठीक है? रिएक्शन किस तरह से बनाए मसाला डोसा पानी पूरी, तो ये सब एंजॉय कर रहे। और फिर मैं और जाने के लिए चैलेंज करेंगे, आधा आधा ग्लास हम लोग पानी पूरी का पानी पियेंगे, तो देखते पी सकते हैं नहीं पी सकते, ठीक है? नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। कौन चैलेंज करेगा पानी? सलीमा पानी मत पीना, अभी तो पी लेगा। मैं और सलीमा पी के दिखाएंगे, ठीक है? बाद में निकालेंगे। अच्छा भाई चक्कर कुछ ये है कि काफी लोग है ना पानी पीने से डरते हैं पानी पूरी का, ठीक है? मगर पानी पूरी का वो मजा नहीं है अगर आप सब पानी ना पिए तो। पानी पहले आता है पूरी बाद में आती है, ठीक है? तो ये आप पानी पूरी आप देख सकते हैं, पूरी का पानी देख सकते हैं। और अभी तो पी लेगा सुबह को मतलब ऑफिस में यार लोग इससे पानी नहीं पसंद, पानी तो मेन चीज है। तो अब इंडिया की जो मोस्ट फेमस डिश है ये आप देख सकते हैं, डोसे हैं और ये एक दो तीन चार है और हम लोग जो है वो पांच है। बहुत मजा आता है। वैसे इसमें चटनियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती है, ये चटनी है ये मज़े की है और ये जो है ये खोपड़े की चटनी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर खोपड़ा है, ये बहुत यमी लगती है। और जो सबसे तीखी चटनी होती है जिससे जिसको खा के बैंड बज जाती है लेकिन फिर भी खानी पड़ती है, ये है। तो अब हम जो है वो डोसा ट्राई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? थोड़ा सा सब आलू होता है, मसाला होता है। अब खाना और ये मुझे लग रहा है इसमें इसने शायद कुछ चीज वीज भी चीज डोसा है, ये यम्मी यम्मी सैरिश तो खाएगी फिर। चीज डोसा है इसमें, सैरिश को चीज पसंद है? आई थिंक ये चारों जो है वो डिफरेंट डोसे हैं। अच्छा इसके अंदर मेरे ख्याल से आलू है, आलू डोसा है और फिलिंग पूरी पूरी है। फिलिंग बहुत ज्यादा डाली है इन लोगों ने, फिलिंग बहुत अच्छी। ये देखें आप फिलिंग चेक करें, ये चिकन मसाला डोसा है। मां जल्दी कर लो, ठीक है? भूख लग रही है जाने ली को, मगर यार ऐसा खोलना कि सब चारों ट्राई कर सके, सब थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अभी ज़ारा बताइए किस तरह खाएंगे, ठीक है? ज़ारा इसको जो है हम चटनी तो खोल लो, चटनी में खोल दो बाकी। चलो ठीक है थोड़ा चटनी जल्दी जल्दी खोल लो, ठीक है? ये कौन चटनी है? ये खोपड़े वाली यार, ये तो गाइस अभी तक यार जाने ली, अभी तक खाने का रिव्यू कैसा रहा जो अभी आपने खाना खाया? मुझे जो मैंने जिंगर खाया ना, अभी भी उसी में वही पड़ी है। मैं अम्मा को बोला मंगा ले, को मंगा नहीं, मेरी जान देख के एक मंगाया तो मंगा। मैं बोला अब डाइटिंग में तो अब क्या करें, ठीक है? सरिश कैसा लगा? बहुत अच्छा था खाना, हर एक चीज हमने ट्राई की। क्या क्या खाया आपने? हमने टिक्का खाया यहाँ पर और सीख खाया, जिंगर खाया, पानी पूरी खाई। तो खाना ओवरऑल 10 में से कितना रेट करेंगे?
नाई सलीमा तो 10 आफ्टर 10 होगी क्योंकि मैं वैसे भी विजिट करती रहती थी और वहां से मैं बार-बार अपनी स्पेशल आई थिंक चाइनीज एंड डोसा खाने का 10 हो ही जाएगा मेरे ख्याल से सैंडविच एंड चाइनीज फूड का बहुत ही खा चुकी हूं पहले खाली लेग 7-11 का जब मैं करीब में था तो मैं पे पिज्जा बर्गर बहुत अच्छा होता है पिज्जा बर्गर ठीक है वहां का पिज्जा बर्गर भी जरूर खाइए इट्स वेरी यम्मी ठीक है 7-11 थालीलैंड 7-11 जो है पुराना वाला थालीलैंड अब खत्म हो चुका है 7-11 है और वही एक्चुअली ऑथेंटिक है अच्छा ऑथेंटिक एग्जैक्टली अब जितने भी है ना वो जाली बन रहे हैं ठीक है और ये ज्यादा बहुत तेजी से खाने वाली है तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ फिर कम्प्लीट फूड रिव्यू दे देंगे अब तक मजा आया टीम को मसाला डोसा खाने के बाद हम बताएंगे कि कैसा लगा ओवरऑल सही है सलीमा खाना कैसा था आपसे स्टार्ट करते खाना कैसा लगा और क्या आप वापस थालीलैंड से ऑर्डर करेंगे थालीलैंड 7-11 सलीमा मैं तो वैसे भी पहले ही बोल चुकी हूँ मैंने रेटिंग ऑलरेडी 10 out of 10 दे दिया है मुझे बहुत जबरदस्त लगा एवरीथिंग यानी जो भी है वो भी बहुत अच्छा और मैं पर्सनली पहले भी विजिट करती थी तो भी मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा सारा भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अगर आप लोग को इंडियन फूड खाना है तो आप लोग को थालीलैंड से अच्छा नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी क्योंकि जो है वो खुद भी इंडिया से है और वो अच्छा सा बनाता है डोसा वोसा पाव भाजी वगैरह जो भी है वो इतना यम्मी होता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं और जो उसकी चटनी होती है खोपड़ी वाली चटनी मतलब कि बिल्कुल जो है ना बस पानी आ रहा है उसकी जाने ली यार मैं तो रेटिंग दूंगा 9 इसलिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लगी मुझे क्यों लगी कम क्योंकि मैं ज्यादा खाता हूँ और अमान की गलती है ना कौन सा डे चीट डे जी तो ज्यादा और ज्यादा चाहिए हां अमान पर गाधा की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा ली लेकिन अमान ने क्वांटिटी कम कर दी तो इसलिए मैं 9 दूंगा इसमें गलती अमान की तो जाने नहीं आप बर्गर खाते कितने हैं आपके तो एक पूरा बर्गर था यार बेसिकली मैं 2 से ऊपर खा लेता सही है अभी बॉडी देख के लगता नहीं मसल्स दिखाओ अपने अच्छा एक दोनों हर मसल्स के लिए एक एक बर्गर चाहिए हर मसल के लिए एक एक चाहिए सही है तो आखिरी में मैं अपना रिव्यू ले लेता हूँ भाई तो सीन कुछ ये है कि हमने यहाँ पे खाना वाना तो सब फोड़ दिया है एंड बहुत ज़बरदस्त थालीलैंड का खाना था अपेरेंटली रमज़ान भी चल रहे हैं तो काफ़ी लोग वहाँ से ऑर्डर करते हैं एंड अभी क्योंकि कोविड है तो कोविड के चक्कर में डिलीवरी इनकी ऑन है तो मैं रात के 2 बजे भी मंगवा चुका हूँ रात के 2 बजे भी लोगों ने डिलीवर किया और इसी तरह से गर्मा गर्म खाना था ठीक है इससे कोई डील है मां ये डील्स उनके पेज के अंदर है मैंने उनसे बात की थी उनके यहाँ पे पेज पे डील भी है और डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अवेल करें एंड ट्रस्ट मी एक दफ़ा आप लोग ट्राई करें खाना गरम क्वांटिटी बेस्ट अच्छा अपना साइज देख के आप जैसे कि आप एक बंदा जो है वो जैसे मेरे जैसा बंदा है वो एक बर्गर खाता है तो जाने लगा रोना धोना अलग है कि भाई मेरे लिए 3 बर्गर तो मंगवा रमज़ान है तो ओवर ईटिंग नहीं करनी तो भाई अपना पेट समझ के आप सबने खाना है तो रमज़ान है तो ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग भी नहीं करनी और अच्छे से खाना है अपार्ट फ्रॉम दिस जिन जिनको डिलीवर करना है वो थालीलैंड पे डिलीवर भी कर डिलीवरी करवा सकते हैं खाना गर्म होता है डिलीवरी में भी एंड जैसे कोविड खत्म होगा तो इंशाल्लाह वहाँ जाके भी इंजॉय कर सकते हैं तो अब तक के लिए इतना ही आज का इफ्तार व्लॉग हम एंड करते हैं सो गाइस डू लाइक डू सब्सक्राइब डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन तब तक के लिए लाइक